यस बेटे, अनडिठा पैरा है, अनडिठे पैरे नु समझना है, अनडिठी काव टुकड़ी है, पैरे दी व्याख्या समझनी है, ओदे अकॉर्डिंग आंसर देने क्वेश्चंस दे। पेपर विच 5 क्वेश्चंस आने हैं, पर मैं जड़ा पैरा लिखना ओदे नाल 5, 7, 9, 10 क्वेश्चन भी बना सकते हैं आपां, कि किसी भी क्वेश्चन नु कोई भी क्वेश्चन पैरे नाल रिलेटेड आ जाए आपां आंसर दे सकीए। एक एक वर्ड का मीनिंग समझो। हाथी नीर नवालिए, सिर छार उड़ावे। नेक्स्ट, तुम्हे अमृत सिंजी है, तुम्हे अमृत सिंजी है, कुड़तना चावे, कुड़तना चावे, सिमल रुख सरेवी है, सिमल रुख सरेवी है, सरेवी है, फल हाथ ना आवे, फल हाथ ना आवे, निंदक नाम विहूनी है, सत्संग ना पावे, निंदक नाम विहूनी है, सत्संग ना पावे। लास्ट लाइन, अन्ना आगू जे थिए, लास्ट लाइन, अन्ना आगू जे थिए, आगू दा मतलब हुंदा है लीड करन वाला, अगवाई करन वाला, जिदे हच कमान है, जिने अपने पिछे लग्या नू क्यों जा रस्ता दिखाना है। जेकर वो अन्ना है, वो ज्ञान तो सखना है, तो की दिखाएगा रस्ता, वो की करेगा, अपने साथियों नू भी डोब देवेगा, आप तो डुबेगा ही, साथियों नू भी डोब। अन्ना आगू जे थिए, सब साथ मुहावे, सब साथ मुहावे। पैरे नू हुण समझो, काउ कपूर ना चखे, कां दे विच औगुण है कि उन्हूं कपूर वर्गा पदार्थ चंगा नहीं लगता, कां नू कपूर वर्गा पदार्थ चंगा नहीं लगता, उन्हूं की चंगा लगता है, दुर्गंध ते चुंज मारनी, ठीक है। सेकंड लाइन है, हाथी नू जिन्ना मर्जी पानी नाल, हाथी नू पानी नाल जिन्ना मर्जी स्वच्छ कर दईए, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਹੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੁੰਮੇ ਦਾ ਫਲ ਅਜਿਹਾ ਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀਏ, ਸਿੰਜੀਏ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੁੜੱਤ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੌੜਾਪਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁੰਜ ਗਈਆਂ ਤਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਫਲ ਫਿੱਕੇ, ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪੱਤ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਮਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਫਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਨੇ, ਬਕਬਕੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਨਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ? ਨਿੰਦਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਹੂਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੋ। ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਾਂ ਦਾ ਔਗੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਰਗੰਧ ਤੇ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਂਸਰ ਦੇਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ। ਹਾਥੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਵਾ ਲਈਏ, ਸਵੱਛ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਛਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ। ਤੁੰਮੇ ਦਾ ਫਲ ਅਜਿਹਾ ਫਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੌੜਾਪਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਔਗਣ ਹੈ। ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਦਿੱਖ ਵਾਈ, ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ
फल हाथ नहीं आते, फिक्के ने, बक बके ने, बेसुआदे ने, ये गुरबाणी च है पैरा। दैन निंदक व्यक्ति है जरा जिन्हू सत जरा नाम तो सखना है, नाम तो खाली, जिन्हें कभी रब का नाम ही नहीं जपया उन्हू सत्संग कभी चंगा नहीं लगता। सत्संग समझ चंग्या की संगत, गुरमुखा की संगत, महापुरखा की संगत, ठीक है, चंग्या का संग करना संगत। लास्ट लाइन है अन्ना आगू कौन होंगे, आगू का मतलब समझ लो, आगू का मतलब है अगवाई करने वाला, लीड करने वाला, ठीक है, कमान है जिसके हाथ में। जेकर वो अन्ना है, अन्ना का भाव यह नहीं है जिंदी अखा नहीं है इतने इस पैरे रिकॉर्डिंग, अन्ना मीन जरा ज्ञान तो, ज्ञान तो खाली है, केड़े ज्ञान तो, रब्बी ज्ञान तो। वो आप भी डुबेगा, आप भी कुराए रस्ते ते पेगा, ते दूजियां नू भी कुराए रस्ते ते पाएगा। हुण लिखो क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज इना सत्रां विच जां इस काफ टुकड़ी विच, सब बच्चा ने पैरा नोट किया, बच्चे इस काफ टुकड़ी विच किस व्यक्ति लई, किस व्यक्ति लई दृष्टांत वरते गए हन, इस काफ टुकड़ी विच किस व्यक्ति लई दृष्टांत वरते गए हन। दृष्टांत समझ दियो, उदाहरण किदी किदी दृष्टांत वरत्या, कां दा, हाथी दा, तू मेरे फल दा, ते सिम्मल दे रुख दा, किदे लई। फर्स्ट ऑप्शन इज अन्य व्यक्ति लई, सेकंड ऑप्शन इज, सेकंड ऑप्शन इज सुजाखे लई। लिखो बेटे मैं ऑप्शंस लिख देनी हां, फर्स्ट अन्य व्यक्ति लई, सेकंड किदे लई है दृष्टांत दिते ने, या चार दृष्टांत दिते ने, ठीक है, सेकंड सुजाखे लई, थर्ड वन इज निंदक लई, निंदक व्यक्ति लई, फोर्थ ऑप्शन इज ज्ञानवान लई, करेक्ट ऑप्शन इज निंदक व्यक्ति लई, करेक्ट ऑप्शन है निंदक व्यक्ति लई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है नीर शब्द दा, नीर शब्द दा की अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन इज फल, सेकंड क्वेश्चन नीर शब्द दा की अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन इज फल, सेकंड ऑप्शन इज पानी, थर्ड ऑप्शन इज क्षार, फोर्थ ऑप्शन इज रस। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नीर किदे लई आया बेटे, पानी लई, एदा मतलब हर एक दा मीनिंग आना चाहिदा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज अन्ना आगू जेथ ये सब साथ मुहावे, ए लास्ट लाइन है ना जड़ी, एदा भाव लिखना। अगला क्वेश्चन ये है अन्ना आगू जेथ ये सब साथ मुहावे, क्वेश्चन इत्थे लिख लो, इस तुक दा की भाव है, चार ऑप्शन दित्तियां नोट करो, इस तुक दा की भाव है, सही मार्ग दिखाउण वाला, सही मार्ग दिखा, ऑप्शन दे अकॉर्डिंग देना आंसर, सही मार्ग दिखाउण वाला। सेकंड ऑप्शन इज, सेकंड ऑप्शन कुराहे रस्ते ते पाउण वाला, थर्ड ऑप्शन नवी दिशा दिखाउण वाला, नवी दिशा दिखाउण वाला, फोर्थ ऑप्शन इज बेटे लिख नहीं रहे तुसी, फोर्थ ऑप्शन इज निंदा चुगली करन वाला, करेक्ट आंसर कुराहे रस्ते ते पाउण वाला। करेक्ट ऑप्शन केड़ी है बेटे, एड़ा ऑप्शन इज करेक्ट,
ठीक है। सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट सिगी सही मार्ग दिखाने वाला नहीं, निंदक सही थोड़ी दिखाएगा रास्ता। आ अन्ना अगू सही रास्ता दिखा रहे है, वो तो आप डुबदा दूजा नु डुबन का भाव आप कुराए रस्ते ते पैंदा ते दूजा नु कुराए रस्ते ते कुराए शब्द तुसी कुराए शब्द तुसी यूज किया हो बहुत वारी राह दे अगे कू अगेतर लग के है कुराहा जिदा राह सही नहीं है, सही दिशा दिखाने वाला भी नहीं हो सकता, नवी दिशा दिखाने वाला हो सकता अन्ना आगू नवी दिशा दिखाएगा ते निंदा चुगली करने वाला हो सकता है, पर इत्थे तां अन्ना शब्द आया है। अन्ना का मतलब होंदा जिंदे अंदर ज्ञान का चानन नहीं है, अज्ञानी पुरुष है और कुराए रस्ते ते भटकदा ते दूजे नूं भी डोब दिंदा है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होएगी। फोर्थ क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन बेटे लाइट ऑफ करना, फोर्थ क्वेश्चन इस काफ टोटे बेच, इस काफ टोटे बेच केड़े जानवर दा, केड़े जानवर दा नाम आया है, लिखो केड़े जानवर दा नाम आया है, फर्स्ट ऑप्शन इज कां, सेकंड ऑप्शन इज, सेकंड ऑप्शन इज हाथी, थर्ड ऑप्शन घोड़ा, सस्ता ऑप्शन है, सस्ता ऑप्शन इज बंदर, एड़ा ऑप्शन करेक्ट है घोड़ा सॉरी हाथी, हाथी नीर निवाली है, कां आ नहीं सकता क्योंकि वो पंछी है, हाथी नीर निवाली है सब चार उड़ावे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस पैरे विच इना सत्रां विच केड़े रुख दी गल कीती है, फर्स्ट ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज सिमल, सेकंड ऑप्शन इज तुम्मे, थर्ड ऑप्शन इज निम, फोर्थ ऑप्शन इज टाली। फर्स्ट है सिमल, केड़े रुख दी गल कीती है, सेकंड तुम्मे दी, थर्ड थर्ड निम दी, फोर्थ टाहली। तुम्मे अमृत सिंह जीए कुड़त ना जावे, तुम्मे दा फल है। हाँ हुण ये क्वेश्चन बन सकदा, तुम्मा किस दा नाम है, रुख दा, फल दा, सब्जी दा जा किसे जीव दा, ये भी क्वेश्चन लिख लो। हुण हुण आपां एक्स्ट्रा क्वेश्चन होर लिखने हन, जिवें उन्हें क्वेश्चन पुट किया कि तुम्मा किसका नाम है, तुम्मे किसनू किया गया, तुम्मे फल नू किया गया। ठीक है, नोट करो अगला क्वेश्चन, तुहाडे फाइव क्वेश्चन तो बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला इहदे नाल दा क्वेश्चन नहीं किया, तुम्मे शब्द किस लई वरत्या है, फल लई, रुख लई, किसे सब्जी लई, जा जीव लई, फल लई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार शब्द दा की अर्थ है, चार शब्द दा की अर्थ है, पानी चार शब्द दा की अर्थ है, पानी, इट्टा वट्टे, ईडी ऑप्शन इज, ईडी ऑप्शन इज लस्सी, स
ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹਾਥੀ ਕੀ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਛਾਰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਗੁਣ ਹੈ, ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਔਗੁਣ ਹੈ? ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ, ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਚੁੰਝ ਮਾਰਨਾ। ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਗੁਣ ਹੈ? ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁੰਝ ਮਾਰਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਦੁਰਗੰਧ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਗੰਦਗੀ। ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੁੰਝ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਦਾ? ਦੁਰਗੰਧ ਤੇ। ਕੱਲੀ ਚੁੰਝ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਚੁੰਝ? ਦੁਰਗੰਧ ਤੇ। ਕੀ ਚੱਖਣਾ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਕਪੂਰ ਵਰਗਾ ਪਦਾਰਥ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਪਦਾਰਥ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਔਗੁਣ। ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵਿਆਕਰਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹੀ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਚਾਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਚਾਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ, ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਉੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹੀ, ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ। ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ, ਬਹੁ ਅਗੇਤ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ, ਬਹੁ ਅਰਥਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁ ਅਗੇਤਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ। ਉੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਨੌਕਰ, ਮਾਲਕ, ਚਾਰਨਾ। ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਨੌਕਰ, ਛੇਕ। ਇਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਛੇਦ, ਕੱਟਣਾ, ਕੱਟਣਾ, ਝੂਠਾ। ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਨੌਕਰ, ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਨੌਕਰ, ਸਿਉਣਾ, ਚਾਰਨਾ। ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ ਕਰੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬਿਸਮ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ। ਚ
चाक शब्द दे लई सही विकल्प चुनना बेटे। यस मैम। विसाम सही विकल्प चुनो बच्चे, केड़ी ऑप्शन होएगी बेटे? मैम वन सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। नौकर दा तां ऑपोजिट हुंदा मालक, नौकर भी हो गया चाक दा अर्थ, मालक नौकर जरूर हुंदा चाक शब्द दा अर्थ, पर मालक नहीं हुंदा, चारना नहीं हुंदा, वो तां चारदा है कि पशु चारने। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, चाक लिखण वाला नौकर जिहड़ा चाकरी करदा है। छेक, किसे शर्ट नूं बटन लगाउण लई पहलां छेक करना पैंदा है, जिवें तुहाडे शर्ट से बटन लगे ने छेक करना, चाक करना पैंदा। इहदा मतलब करैक्ट ऑप्शन की होई, एड़ा ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन आने हैं। थर्ड, अगला क्वेश्चन लिखो, सैकेंड क्वेश्चन, सैकेंड क्वेश्चन लिखो। खट्टी शब्द का अर्थ दिंदे हुए, खट्टी शब्द का, खट्टी शब्द का अर्थ दसते हुए सही विकल्प चुनो। खट्टी शब्द का अर्थ दसते हुए सही विकल्प चुनो। खट्टी शब्द का सही अर्थ दसते हुए विकल्प चुनो। मिठी, खटना, कमाई, सेकंड ऑप्शन, गुस्सा, खटास, कमाई, ईडी ऑप्शन, ईर्खा, खटना, ईर्खा, खटना, कमाई। फोर्थ ऑप्शन इज कमाई, स्वाद, रंग, खटास। खटास से स्वाद सेम थिंग, खटास। केड़ी ऑप्शन करेक्ट होएगी बच्चे? पहले विच खट्टी दा ता ऑपोजिट की हुंदा, मिठी, इस करके ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकंड विच खट्टी दा गुस्सा नहीं हुंदा। देन खटास वर्ड जरूर, पर दो वर्ड्स करेक्ट ने, पर एक वर्ड इररेलेवेंट है, इस करके ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती। थर्ड वन इज ईरखा, ईरखा, ईरखा नहीं हुंदा। खटास की हुंदी है कि जे किसी के अंदर किसी के प्रति नफरत पैदा हो गई है। देन खटना, खटना नहीं है, कमाई है। देन कमाई वर्ड हो सकता है, पर इहदे विच एक वर्ड इररेलेवेंट है। खटना का ऑपोजिट हुंदा गुआना, खटना मीन्स प्राप्त करना, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन की होएगी लास्ट, कमाई करनी, खट्टी कमाई कर ली। नौजवान देशों विदेशों जाते ने, इस इमली का स्वाद खट्टा है, दही का स्वाद खट्टा है। स्वाद, रंग, रंग मीन्स खट्टी दुपट्टे जड़े पीले रंग देने उन्हें खट्टा रंग कहने हैं। देन खटास, ठीक है, खटास मीन्स लस्सी खट्टी है, वो सेम है स्वाद ते खटास, ठीक है बच्चे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली थां विच वो अर्थक वाला एक शब्द भरो, खाली थां विच वो अर्थक वाला एक शब्द भरो। फर्स्ट ऑप्शन इज अज बड़ा
डैश है, पूरा ऑप्शन ए है, एडा ऑप्शन इज, उसे उस दे ढिड विच, उसे ढिड विच पै रहा सी, एडा ऑप्शन ईडी ऑप्शन इज, ईडी ऑप्शन इस प्रेशन दे सॉरी इस प्रेशन क्वेश्चन कट दियो बेटे, यदि थां ते आना नोट करो, इस कमीज विच बहुत सारे डैश हन, इस कमीज विच बहुत सारे डैश हन। नेक्स्ट, ओहो खेतां दी जां पैली दी डैश ते तुर रहा सी, ए चार खाली थावां ने, हुण चार ही ऑप्शन दित्तियां, इन्हां विचों करैक्ट इक ऑप्शन है जिहड़ी सारिआं विच आणी है, ठीक है। फर्स्ट है, अज बड़ा डैश है, उसके ढिड विच डैश पै रहा सी, थर्ड ऑप्शन मैं दित्ती है तुहानूं, थर्ड खाली थां है, इस कमीज विच बहुत सारे डैश हन। लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਲੀ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 2 3 4 ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਡੰਡੀ, ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ, ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਵੱਲ ਵੱਲ, ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡੰਡੀ, ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੱਲ, ਈੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੱਟ, ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੱਸ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਚਾਰਿਆਂ ਚਾਰਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਵੱਟ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਟ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਹੁਮਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਥਰਡ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਟ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਲਾਸਟ ਵੱਟ ਮੀਨਸ ਵੱਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਵੱਲ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੱਲ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਿਰਫ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਵੱਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਟ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਬਦ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਕਿ ਵੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਲ ਹੈ, ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਵੱਟ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਲੀ ਦੀ ਵੱਟ ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਬੇਟੇ? ਵੱਟ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।